ايوه ايش بك، ما انت تبغى يجي؟ كم سعره هذه؟ ابا 900. هذا अच्छा जी, मैंने बकरे ले लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ मूव टू स्लॉटर जहाँ पे कुर्बानियों के बकरे की, और मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या अगर किस तरह स्टेप बाई स्टेप है। और यहाँ के जो चार्जेस हैं वो 90 रियाल हैं जो आपको 4 पीसेस में करके देंगे। कार की मुझे स्लिप दे दी है और साथ में नंबर दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, हमारे सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये हो रहा है हमारा नाश्ता। कल हम गए थे खाना खाने जिस होटल में, वहाँ से हमने ले लिए थे नान बटर नान नाश्ते के लिए। तो बस अभी बच्चों को लगी हुई है भूख, बच्चे उठे हैं तो उनके लिए हो रहा है नाश्ता रेडी। और अदील साहब गए हुए हैं सुबह 8 बजे से कुर्बानी के लिए, बकरा लेने के लिए। अब पता नहीं क्या बना है, बकरा मिल नहीं रहा था पहले दिन, तो आज ईद का दूसरा दिन है तो लेने चले गए। सुबह 8 बजे से ही निकले हुए हैं वो, अभी तक पता नहीं मिला है कि नहीं। यहाँ हमारा वही वाला हाल हुआ हुआ है जैसे कि सफ़र में हैं हम लोग, सफ़र वाले नाश्ते सफ़र वाले खाने हो रहे हैं। अच्छा जी, आ गया है गोश्त घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किलों से हैं। अदिल साहब की बकरे ने अदिल साहब की हालत कर दी है ख़राब। क्या ये आपने नहीं पीनी जी? यहाँ मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव और ये गोश्त मैंने धो के रख दिया था, और काम के साथ साथ सामान समेटने के साथ साथ ये भी हो रहा है कि खाना भी पकेगा। आ जाओ ये अलमारी खोलो। यस, इसमें सारे गिलास रखें। यस, पी लो। गिर रही हो? अच्छा जी, प्याज भूनने के बाद यहाँ जो मैंने यखनी में गोश्त उबाला है वो डाल दूंगी।
ये मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है दही में जो है ना ग्राइंड किया हुआ, ये जाएगा दही और लहसुन अदरक। जी अम्मा जी, इधर सामान है बहुत सारा, आप कहाँ आ गए हो? इधर से आओ, इधर पानी है, इधर कार्टन पड़े हुए हैं सारे, घर पूरा बिखरा पड़ा है अभी। आराम से, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से काम करना है, ठीक है? ओके, बिल्कुल आराम से पानी डालो, बिल्कुल आराम से, शाबाश, बस। हाँ अम्मा, पी लिया पानी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा ना। जो यखनी का पानी था वो सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया है गोश्त में। कूलर पे है ना पानी की बोतल, लगा दिए पापा ने। हमारा झटपट सा जो यखनी पुलाव था वो हो गया है रेडी। अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी जर्दे का कलर और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं छिड़कूंगी रूके हुआ। अब इसको मैं डाल दूंगी दम पे। ये तकरीबन कार्टन खाली हो चुके हैं और ये है, हेल्प हो रही है पापा की, हैं? पापा की हेल्प हो रही है। आ जाओ बाहर, आप थक जाओगे मोहम्मद। आप इधर आ जाओ, वो काफ़ी हैं हेल्प के लिए, काफ़ी हैं। ये गिर ना जाए आप लोगों के ऊपर पटरा। ऊपर वाले उठाओ, ये लो ऊपर वाले उठा के दो आप ही को। चलो शाबाश, वेरी गुड, ये लो, ये उठा के दो। हाँ अब्बा को नहीं, आप ही को देते जाओ, आप ही देती जाएगी उधर। हाँ वो कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अब्बा को दूँ, मैं दूँ। हाँ ये गिर जाएगा आप लोगों के ऊपर फाइट कर रहे हो। उसको है कि डायरेक्ट मैं अब्बा को जाके दूँ खुद। आप इनाया जन मोहम्मद को दो, मोहम्मद देगा। ये लो मोहम्मद, जाओ पापा को दो, जाओ। उसको है कि मैं दूं। अभी वेट करो, पापा आएंगे अभी। उसको है यहाँ से, उसको है कि मैं जाके दूं। ये आयशा साहब ने बेल्ट किस खुशी में बांधी हुई है। ये सारे कपड़े भी मेरे हैं समेटने वाले। जी मामा, ये क्या हो रहा है? मसाज हो रही है, खिदमत हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, अकेम बोल रहे हैं, अकेम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा जी, लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो यखनी पुलाव निकालने लगी हूँ मैं। सैलेड लेके चलो मामा, आपको बस कार्टून चाहिए, ये साल में हम खा रहे हैं खाना अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी यहाँ मोहम्मद साहब जो है ना बैठे बैठे सो गए हैं और बस कुछ सामान हमने समेट दिया है, ये यहाँ कार्टून देखते देखते सो गए हैं और काफ़ी
काफ़ी जो है रूम खाली कर दिया है यहाँ का, तो बस अभी हम जा रहे हैं जो है ना खाने पे। घर का पीछे जो है ना हशर नशर हुआ है और हम लोग रेडी शेडी होके जा रहे हैं जी दावत पे, क्योंकि आई है दावत सिस्टर इन लोग के घर, तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। बच्चे भी रेडी, क्योंकि बच्चों की ये ईद, बच्चों की वजह से सिर्फ जा रही हूँ, काम पूरा दिन चलता रहेगा और पूरा दिन से ही हम लगे हुए हैं कामों में, और आज ईद का दूसरा दिन है कि काम ख़त्म नहीं हो रहे, और बस काम तो होते रहेंगे क्योंकि पूरा दिन हम जैसे ही उठते हैं सुबह से शुरू होते हैं और रात ही हो जाती है, और बस बच्चों की वजह से जा रहे हैं कि बच्चे वो सिस्टर इन लॉ के बच्चे और मेरे बराबर हम उम्र हैं, तो वालेकुम सलाम, और वो भी याद कर रहे हैं बच्चों को और मेरे बच्चे भी उनको याद कर रहे हैं, तो बस अभी वहीं जाने लगे हैं कि थोड़ा सा बच्चे इंजॉय कर लें, आपस में मिल के गपशप कर लें। तो बस थकी हुई बहुत हूँ मैं, दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कहीं जाने को, यही है कि रात को बिस्तर ही याद आ जाता है, लेकिन यह है कि अगर दावत आई है तो चलो बच्चों की वजह से बच्चे इंजॉय कर लें, तो बस अभी ये रेडी शेडी होके जाने लगे। शूज़ ले लो इसके, तमाम मत के।